रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत किशोरी की हत्या पर गलत विवेचना करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी हरीश दुबे और सहायक उप निरीक्षक दान सिंह परस्ते को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई सिंगरौली एसपी वीरेंद्र सिंह की जांच रिपोर्ट पर एडीजी रीवा जोन केपी वेंकटेश्वर राव ने की है। दरअसल मऊगंज थाना क्षेत्र के फूलकरण सिंह गांव में 4 वर्ष पहले एक किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन परिजनों ने साक्ष्य छुपाने के लिए मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत होने की बात सामने आई थी। उसके बाद भी तत्कालीन मऊगंज थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश दुबे ने गलत विवेचना की और देर से अपराध कायम किया था। देर से मुकदमा दर्ज होने पर तत्कालीन रीवा एसपी ने एसएसपी मऊगंज से जांच कराई तो तत्कालीन मऊगंज थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश दुबे और दान सिंह बरस्ते को दोषी पाया गया था। तत्कालीन आईजी चंचल शेखर, तत्कालीन सतना जिले के जेतवारा थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश दुबे को निलंबित कर दिया था। वर्तमान समय में हरीश दुबे सतना जिले की अमदरा थाना प्रभारी थे। महिला की हत्या पर गलत विवेचना करने के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मामले की जांच सिंगरौली एसपी वीरेंद्र सिंह को सौंपी गई थी। उन्होंने हर पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद बीते दिन अपनी रिपोर्ट रीवा जोन के आईजी एवं एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव को सौंपी थी। तब एडीजी ने जाँच रिपोर्ट पढ़ने के बाद दोनों को निलंबित करने का आदेश जारी किए हैं। ये 2016 का एक मामला था जिसमें एक बच्ची थी, उसकी जलने से मौत हुई थी। मौत के बाद फिर उसका पीएम कराया गया था। पीएम में डॉक्टर ने गला दबाने से मौत का जिक्र किया था। उसमें कुछ लापरवाही बरती गई थी थाना प्रभारी के द्वारा और प्रकरण पंजीबद्ध ना करके उसको छोड़ दिया गया था वैसे ही। जब फिर अभी तत्काल में करीब 1 साल पहले मुख्यालय के निर्देश पर महिला मर्ग के समय में समीक्षा की गई थी, तो उस समीक्षा के दौरान ये अपराध निकल के आया था और उसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था और इसमें फिर प्राथमिक जांच करा के एडिशनल एसपी मऊगंज से और ये पाया गया था कि इन लोगों की इसमें लापरवाही है। उसकी फिर विभागीय जांच एसपी सिंगरौली के द्वारा की गई और सिंगरौली की एसपी साहब के द्वारा रिपोर्ट सबमिट करने के उपरान्त, क्योंकि मामला बहुत पुराना हो गया था, तो इसमें हमारे एडी सर के द्वारा ये आदेश किया गया है जिसमें हरीश दुबे और उनके एक सहायक उप निरीक्षक को सेवा से पृथक करने का आदेश दिया गया, सजा की गई। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।